और दोस्तों कुमकुम भाग्य के आने वाला एपिसोड आप लोगों के बीच में काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार जो कि प्राची रिपोर्ट के बारे में सोच रही है कि आखिरकार रिया की रिपोर्ट कहां जा सकती है, क्योंकि प्राची और सहाना लगातार उस रिपोर्ट के बारे में ढूंढ रही हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि बहुत ही सूझबूझ के साथ में उस रिपोर्ट को चुरा लिया गया है, और चुराने वाला कोई और नहीं है बल्कि आलिया उस रिपोर्ट को अपने साथ ले जा चुकी है। वहीं पर ही दोस्तों सहाना इस समय परेशान है कि आखिर इस लिफाफे में से रिपोर्ट कहाँ जा सकती है। आप लोग जानते ही हैं कि लिफाफा पूरी तरीका से कवर्ड था, लेकिन उस रिपोर्ट को अंदर ही अंदर आलिया ने अपने अंडर ले लिया है। साथ ही दोस्तों जहाँ पर पर्दाफाश होने जा रहा था रिया का कि रिया प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों जहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि पूरी तरीका से कहानी में एक बार फिर से नया ट्विस्ट, नया धमाका देखने को मिल ही रहा है। वहीं पे ही आप लोग जानते ही हैं कि जिस तरीका से रणवीर के सामने वो रिपोर्ट आती तो रणवीर यही काम करता कि किसी भी तरीका से रिया को हमेशा में सक लिए इस घर से उठाकर बाहर फेंक देता। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्द ही रिया और आलिया भी एक्सपोज होंगी। जी हाँ, रिया और आलिया इसलिए एक्सपोज होंगी क्योंकि एक फाइनल रिपोर्ट जो आनी है, उस फाइनल रिपोर्ट को सहाना फिर से ओपन करेगी, और जिसके बाद में सबके सामने सिड बोलता हुआ नजर आने वाला है कि ना ही रिया प्रेग्नेंट और ना ही प्राची की कोक में मेरा बच्चा। प्राची की कोक में जो बच्चा है वो रणबीर का है। रिया और आलिया ने मुझे टॉर्चर किया है, मेरे साथ में मारपीट की है, और मेरी बहन को मारने की धमकी दे रहे हैं कि अगर मैंने तुम लोगों के सामने झूठ नहीं बोला तो ये मेरी बहन को मार देंगे। साथ ही दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ बड़ी अपडेट से भी रूबरू करवाने जा रहा हूँ। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि जिस तरीका से रिया और आलिया एक्सपोज होंगे, जिसके बाद में पल्लवी हमेशा हमेशा के लिए रिया को उठाकर घर से बाहर का रास्ता दिखा देंगी। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करें। थैंक यू सो मच।